हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आप सभी का स्वागत है अमानत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक फ़ोटो अपना क्लिक कर लेना है, उस फोटो का बैकग्राउंड हटा लेना है। बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको बैकग्राउंड हटाना नहीं आता है तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो PLV फाइल मैं आपको देने वाला हूँ तो उस PLV फाइल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो कैसे डाउनलोड करेंगे वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, उसका जो लिंक है वो मैं व्हाट्सअप में कॉपी करके रखा है यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करके दिखा देता है। तो इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो कोई भी एक ब्राउजर में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर टच करना है। जैसे टच करेंगे तो इसका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। यहाँ पे टच करेंगे तो इसका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। मैं ऊपर में यहाँ पे दिखा देता है, देख सकते हैं यहाँ पे इसका डाउनलोडिंग चालू हो चुका है। तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद से क्या करना है आपको, आपको प्ले स्टोर से RR एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। आपके पास नहीं है तो आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है, सिर्फ आपको लिखना है RAR। लिखेंगे तो फर्स्ट में आपको आ जाएगा RR ऐप, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद से जो जी फाइल का नाम दिया है दीपावली पोस्टर, तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, यहाँ पे देख लेना है दीपावली पोस्टर आपके फाइल में। और कम फोल्डर रहेगा तो जल्दी दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दीपावली पोस्टर ही वाला है, तो इसके ऊपर टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद दोस्तों यहाँ प्लस के बगल में तीर का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड डाल देना है 4038। ये पासवर्ड आपको डाल देना है, ध्यान से देख लीजिए 4038। ये पासवर्ड डाल के आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो ये फाइल अनजिप हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास पिक्सल लैब एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पहले से यहाँ पे सब ऐड करके रखा था, तो इसको हम एक बार यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। किस तरह से आपको पिक्सल लैब में PLV फाइल को ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पिक्सल लैब आप जो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आप में ओपन हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन डॉट PLV फाइल लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर देख सकते हैं डॉट PLV लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो मोबाइल का फाइल रहता है वो सब यहाँ पे शो करेगा फोल्डर। उसके बाद जो यहाँ पे तीर का दिखते उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो आपको डाउनलोड फोल्डर दिख जाएगा। आपका जो फोन का डाउनलोड फोल्डर रहेगा वो दिख जाएगा, उसके अंदर जाना है आपको। उसके अंदर जाएंगे तो आपको इस तरह से फोल्डर दिख जाएगा दीपावली पोस्टर। इस फोल्डर में क्लिक करेंगे, फोल्डर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे PLV फाइल शो करेगा। तो इसके ऊपर टच करेंगे, टच करने के बाद ओपन एंड ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो PLV फाइल है पूरा ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ अपना फोटो चेंज करना है, तो फोटो और नाम चेंज करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, फोटो पर टच करेंगे। अगर आपको ये लॉक रहेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से देखिए नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो ये फोटो दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये फोटो यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो फोटो लगाना चाहते हैं वो फोटो आप यहाँ पे लगा लेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ प्लस वाले में क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद से आपको जो फोटो लगाना है वो फोटो आपको यहाँ पे कोई भी जो फोटो लगाना चाहते हैं वो फोटो को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से ये फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से इतना छोटा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ से हम इसको रोटेट कर देते हैं इस तरह से और इसको हम इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा यहाँ पे साइज बड़ा कर लेंगे और इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। देखिए इस तरह से आपको अपने फोटो के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे टू बैक पे क्लिक कर देना है। इस तरह से कर देंगे और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। और उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे आपको अपना नाम चेंज कर लेना है। तो नाम यहाँ पे देखिए जो नाम लिखा है इसके ऊपर टच करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पे हिंदी में कर लेना है और जो भी आपका नाम है वो आपको नाम लिख के यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ भी आपको जो फंट है और जो कलर है आप सबको वही मिल जाएगा, इसी तरह से लिखा जाएगा। इस तरह से कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है,
यहाँ देखिए छोटा सा एरो का दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अल्ट्रा का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करके सेव टू गैलरी में इसको सेव कर लेना है। और फिर भी आपको उससे भी ज़्यादा HD में करना है तो आपको रेमनी ऐप अप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उस ऐप में जाकर आपको इसको HD में कर सकते हैं। और उसमें आपको HD में करना नहीं आता है तो उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सके।